हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेलकम फाइल लिस्ट इन जावा एंड रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वेलकम फाइल क्या है, वेलकम फाइल लिस्ट क्या है, इसको हम लोग web.xml में कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या ज़रूरत हमें है वेलकम फाइल लिस्ट यूज़ करने की, और रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है, ये इंटरफेस किस लिए यूज़ होता है, ये कैसे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकता है और किसी और के रिस्पॉन्स को इंक्लूड कर सकता है, और प्रैक्टिकली भी देखेंगे इसी वीडियो में ये कैसे हम लोग रिक्वेस्ट डिस्पैचर को यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, हमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पता होगा कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट हमेशा सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को सर्व करता है, पहले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा और फिर रिस्पॉन्स देगा HTML के फॉर्म में। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा ये वेलकम फाइल लिस्ट क्या है और ये कहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको कैसे राइट करना है। तो लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सर्वर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज़ अ वेब सर्वर या सर्वर। और हमारे पास यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँगा कि लेट अस सपोज हमारे पास एक क्लाइंट है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट है जो रिक्वेस्ट भेजेगा, दैट मीन्स हमारे पास ब्राउज़र है। जो मोस्टली क्लाइंट होते हैं वो ब्राउज़र होते हैं। अब क्या कर सकता है ये, जैसे ही लेट अस सपोज इसने पहली बार रिक्वेस्ट भेजा हमारे सर्वर को, अब क्योंकि रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम थी, पहली बार रिक्वेस्ट गई हमारी वेबसाइट को, तो यहाँ पे एक पेज रखा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट index.html पेज है या index.jsp पेज है। अब या अगर आपके पास कोई और तरह की वेबसाइट है जैसे php की वेबसाइट है तो index.php है। तो अगर ये फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आई है, दैट मीन्स पहली बार रिक्वेस्ट आई है, या आपके वेबसाइट का डायरेक्ट नाम, जैसे मान लो लेट अस सपोज हमारे यहाँ वेबसाइट किसी ने ओपन की www.onlyjavatech.com। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी URL स्पेसिफाई नहीं किया है, जैसे यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कि भैया मुझे कौन सा रिसोर्स चाहिए, यहाँ पे स्लैश लगा के नहीं लिखा है कि मुझे, यहाँ पे स्लैश लगा के ये नहीं लिखा हुआ कि मुझे चाहिए जावा ट्यूटोरियल। अगर यहाँ पे लिखा होता कि मुझे स्लैश जावा ट्यूटोरियल, दैट मीन्स हमें इस सर्वर से ये वाला पेज चाहिए, ये वाला पेज चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा होता पाइथन ट्यूटोरियल, दैट मीन्स हमें इस सर्वर से पाइथन ट्यूटोरियल वाला पेज चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपने डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेज दिया है विदाउट स्पेसिफाइंग वॉट यू वॉन्ट टू गेट। और इस केस में जब कोई आपके वेबसाइट को डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता है, उस केस में सर्वर क्या करता है, index.html, index.jsp या index.php पेज जो होगा वो यहाँ से रेस्पॉन्स में सेंड कर देगा। ये मैपिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट index.html पेज आपके वेबसाइट का होम पेज होता है, और जो इसका आउटपुट होगा वो आपके रेस्पॉन्स में दिखेगा, दैट मीन्स ब्राउज़र में दिखेगा। अब मैं एक बार समरी बता देता हूँ कि अगर आपने ओपन किया ब्राउज़र पे, डाला www.onlyjavatech.com, तो फटाक से रिक्वेस्ट जाएगी हमारे सर्वर पे, और यहाँ पे जो index.jsp या index.html पेज हमारा होम पेज रखा है वो आपके ब्राउज़र पे लोड हो जाएगी, यहाँ पे देखने। लेट अस सपोज अब हम चाहते हैं कि हमने एक पेज बनाया है अपने प्रोजेक्ट में, उस पेज का नाम है home.jsp, और मैंने सारी डिज़ाइन इस home.jsp पे कर दिया है, सारी डिज़ाइन इस home.jsp पे कर दिया, और हम चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट चले, और हमारा प्रोजेक्ट चले जैसे ही कोई रिक्वेस्ट हमारे प्रोजेक्ट को भेजे, अगर किसी ने टाइप किया onlyjavatech.com और रिक्वेस्ट भेजा, तो हम चाहते हैं कि ये दोनों जो हैं index.html या index.jsp ये हम नहीं वापस भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब हमारा यहाँ होम पेज का काम हमारा ये वाला पेज करें home.jsp। बट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम पेज क्या होता है, इंडेक्स पेज होता है, लेकिन हम उस होम पेज को बाय डिफ़ॉल्ट अपनी वेलकम फाइल बनाना चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट अगर कोई ओपन करता है, कोई रिक्वेस्ट भेजता है, तो हमें home.jsp चाहिए, ना index.jsp या index.html नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जावा, अगर मैं जावा यूज़ कर रहा हूँ, जावा का वेब एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं web.xml फाइल। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इस web.xml फाइल में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, वही कुछ टैग्स लगा के हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं
सर्वर को ये चीज़ बता सकते हैं कि भैया हमारे इस प्रोजेक्ट का होम पेज है ये, हमारे इस प्रोजेक्ट का होम पेज है ये वाला पेज। तो जैसे रिक्वेस्ट आएगी, सबसे पहले सर्वर क्या करता है, अगर जावा यूज़ कर रहे हो तो वो इस कॉन्फ़िगरेशन को रीड करता है। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन को रीड करेगा, इसको पता चल जाएगा कि भैया हमने कॉन्फ़िगर करके रखा है कि इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट हमें देना क्या है, होम पेज देना है। तो जैसे आप ये पेज दे दोगे, अपने आप यहाँ से होम पेज चला जाएगा, ना कि ये दोनों पे। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पे अपने होम पेज को एज अ वेलकम पेज। तो जैसे ही आपके यहाँ पे आपकी वेबसाइट को कोई ओपन करेगा और ये नहीं बताएगा कि हमें कौन सा पेज चाहिए, तो जैसे आप रिक्वेस्ट भेजेगा कोई, बाय डिफॉल्ट आपका होम पेज जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग टैग यूज़ करेंगे वेलकम फाइल, टैग यूज़ करेंगे वेलकम फाइल लिस्ट। इसलिए यूज़ होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट का क्या बना सकते हो, होम पेज बना सकते हो, अपार्ट फ्रॉम इंडेक्स, इंडेक्स डॉट जे एस पी, इंडेक्स डॉट। यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ करके मैं अभी दिखाऊंगा अभी कैसे यूज़ करना है प्रैक्टिकली। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या कैसे लिखना है वेब डॉट एग्जाम में, कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होगी वेब डॉट एग्जाम में, ये सारी चीज़ मैं बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे टैग वेब ऐप, वेब डॉट एग्जाम में जब जाओगे तो वेब ऐप टैग तो मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला टैग। उसके अंदर आपको टैग यूज़ करना है वेलकम फाइल लिस्ट, जैसा कि हम लोग देखा था ये टैग यूज़ करना है वेलकम फाइल लिस्ट। और जैसे आप इस टैग को ओपन करोगे, आपको इस टैग को क्लोज भी कर देना है, वेलकम फाइल लिस्ट आपको क्लोज कर दोगे ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला टैग लगाएंगे वेलकम फाइल लिस्ट, और इसको हम लोग क्लोज भी कर देंगे। उसके बाद हम लोग को एक टैग लगाना है इनर टैग वेलकम फाइल। जैसे ही हम लोग वेलकम फाइल टैग लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे कि हमारा होम पेज क्या होगा इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर यहाँ पे देखिए होम डॉट एच टी एम एल लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर इस सर्वर इस कॉन्फ़िगरेशन को रीड करता है, जैसे रिक्वेस्ट आएगी या सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को रीड करेगा, तो वो समझ जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई रिसोर्स स्पेसिफाई नहीं हुआ है URL में, तो हमें ओपन क्या करना है, होम डॉट एच टी एम एल। अगर होम डॉट एच टी एम एल नहीं मिला तो वो डिफ़ॉल्ट डॉट एच टी एम एल चेक करेगा, बट आपके वेबसाइट का होम पेज है होम डॉट एच टी एम एल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग वेलकम फाइल यूज़ कर सकते हैं, वेलकम फाइल लिस्ट टैग यूज़ कर सकते हैं दोनों। तो सबसे पहले वेलकम फाइल लिस्ट और उसके अंदर वेलकम फाइल टैग यूज़ करना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, और उसके बाद दोनों का प्रैक्टिकल एक साथ हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको क्लियर कर देते हैं जिससे कि हम लोग आगे की चीज़ें समझ पाएँ। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या है, एक इंटरफेस है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक इंटरफेस है जो हमारी हेल्प करता है दो काम करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरफेस है। देखिए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल डिस्पैचिंग डिस्पैचिंग द रिक्वेस्ट टू अनदर रिसोर्स, इट मे बी एचटीएमएल सर्वलेट और जेएसपी। तो ये जो सबसे पहला काम करता है, मैं यहाँ पे इस डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपकी ये पूरी वेबसाइट है, सर्वलेट वगैरह आपने बनाया, और यहाँ ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट मान लीजिए इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा आपके, रिक्वेस्ट भेजा, और जैसे रिक्वेस्ट भेजा उस रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए आपका यहाँ पे सर्वलेट था, ये रिक्वेस्ट पहुंची इस सर्वलेट के पास, सर्वलेट वन के पास। अब मान लीजिए सर्वलेट वन ने प्रोसेसिंग की, और हमें इस सर्वलेट चलाने के बाद हमें क्या करना है, अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करके दूसरे पे ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और रिक्वेस्ट को यहाँ से हम आउटपुट नहीं देंगे, हम क्या करेंगे अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देंगे सर्वलेट टू पे, तो सर्वलेट टू का भी काम हो जाएगा। सर्वलेट टू भी काम कर देगा। दैट मीन सबसे पहले काम हुआ सर्वलेट वन का, फिर सर्वलेट टू का काम हुआ। अब क्या करेगा, सर्वलेट टू जो आउटपुट जनरेट करेगा एच टी एम एल, वो आउटपुट हम लोग को मिलेगा यहाँ पे क्लाइंट को दिखेगा। तो जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो यहाँ पे दो सर्वलेट चलेंगे, एक सर्वलेट यहाँ पे चलेगा और दूसरा सर्वलेट इसलिए चलेगा क्योंकि आपने रिक्वेस्ट को क्या कर दिया, डिस्पैच कर दिया, दैट मीन्स फॉरवर्ड कर दिया सर्वलेट टू को। तो ये जो काम करेंगे वो काम हमारा होगा विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस। तो पहला चीज तो हमें फॉरवर्ड करने के लिए, कोई भी रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड करने के लिए किसी दूसरे रिसोर्स पे यूज करना होता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर फॉरवर्ड। दैट मीन्स एक के बाद दूसरी चीजें हमें चलानी है विदाउट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ये केस करोगे, एक सर्वलेट से दूसरे पे फॉरवर्ड करोगे रिक्वेस्ट को, उस केस में जो पहले का आउटपुट होगा वो नहीं पहुंचेगा यहाँ तक क्लाइंट पे, इसी आउटपुट गायब हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो खुद ही जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो आउटपुट गायब हो जा रहा है, जो सर्वलेट टू रिस्पॉन्स देगा वो आउटपुट पहुंचेगा आपके क्लाइंट तक। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे पहला पॉइंट जो नोट करने वाला था वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर आपके रिक्वेस्ट को किसी और रिसोर्स पे फॉरवर्ड करने के लिए यूज होता है,
और इसका जो दूसरा यूज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग समझ लेते हैं कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर का दूसरा यूज़ क्या है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर का जो दूसरा यूज़ है वो इंक्लूड करने के लिए, इसके पास दूसरा मेथड है इंक्लूड, तो ये इंक्लूड करने के लिए भी यूज़ होता है। डायग्राम से ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस सपोज क्लाइंट ने क्या किया, आपके सर्वेंट को रिक्वेस्ट भेजा। अब ये क्या करेगा, ये सर्वलेट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अचानक से क्या कर सकता है, इस इंक्लूड फंक्शन से इस सर्वलेट के आउटपुट को यहाँ पे इंक्लूड कर सकता है। दैट मीन्स ये सर्वलेट को चला सकता है, चलाने के बाद इसका आउटपुट यहाँ पे इंक्लूड कर सकता है और ये आउटपुट दे सकता है। दैट मीन्स किसी दूसरे रिसोर्स के आउटपुट को भी ये क्या कर सकता है, दूसरे रिसोर्स के रिस्पॉन्स को भी इंक्लूड कर सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्स ऑफ सर्वलेट टू इज इंक्लूडेड इन सर्वलेट वन, इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो इसी के रिस्पॉन्स में ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपका कोई काम हो रहा है और आप चाहते हो इसका आउटपुट आए साथ ही साथ में इसका भी आउटपुट आए, तो यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर के दो काम है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम था वो करंट सर्वलेट पे जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको फॉरवर्ड करने के लिए किसी दूसरे रिसोर्स पे, मे बी सर्वलेट जेएसपी, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो किसी दूसरे का आउटपुट दैट मीन रिस्पॉन्स अपने अंदर इंक्लूड करने के लिए। और ये काम करते हैं किससे, ध्यान से देखिए। जैसे लेट अस सपोज हमको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। सबसे पहला यूज देखते हैं कि फॉरवर्ड करना है उसको कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली तो अभी मैं बताऊंगा। लेट अस सपोज हमें फॉरवर्ड करना है तो सबसे पहले सर्वलेट, लेट अस सपोज हम सर्वलेट वन पे हैं और हमें रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है, तो सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD इज इक्वल टू, और हम निकालेंगे ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होगा ऑलरेडी कहीं भी आप हो, और यहाँ कॉल करेंगे गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और हमें यहाँ पे देना होगा रिसोर्स कि किस रिसोर्स को आप किस रिसोर्स पे फॉरवर्ड करना है, किस रिसोर्स पे इंक्लूड करना है। तो लेट अस सपोज हम यहाँ देते हैं सर्वलेट टू। अब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, अब हम क्या कर सकते हैं कि इस रिक्वेस्ट RD के पास दो फंक्शन है, दो मेथड है। RD डॉट हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगर इंक्लूड करना है तो RD डॉट हम इंक्लूड फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे पास कर सकते हैं दो पैरामीटर करंट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो क्या होगा, जहाँ जैसे ही ये लाइन चलेगी, जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये क्या करेगा कि इस लाइन में इसका आउटपुट सर्वलेट टू का आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर फॉरवर्ड किया होता तो करंट ही यहाँ से आपका रिक्वेस्ट चला जाता सर्वलेट टू पे। दैट मीन्स हमें ऐसा ही करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकालना है और फिर इंक्लूड या फॉरवर्ड मेथड कॉल करना। चले अब हम आपको ले चलते हैं नेटबीन्स आईडी में, और वहाँ पे मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे हम लोग फॉरवर्ड करेंगे या इंक्लूड करेंगे। तो आप एक सीख लीजिए, इंक्लूड करना या फॉरवर्ड करना, आपका काम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास नेटबीन्स आईडी है, और हमने पिछले वीडियोज़ में एक हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे यूट्यूब, इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या पिछले वीडियो में हम लोग ने बनाया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया था, और जैसे हम इस फॉर्म को फिल करते थे, मैं एक बार फिल करके दिखा दे रहा हूँ। और जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक, एक बार मैं जूम कर देता हूँ, जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, हमारा एक सर्वलेट चल रहा था रजिस्टर सर्वलेट, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा था, आपकी डिटेल प्रिंट कर रहा। लेकिन अगर हम इस चेकबॉक्स को ना चेक करें, देखिए यहाँ पे जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आ जाएगा यू हैव नॉट एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशन। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम चाहते हैं कि अगर उसने चेक नहीं किया तो ये मैसेज तो दिखे, साथ ही साथ में हमें यहाँ पे फॉर्म भी दिखे। दैट मीन्स हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो हमारा उधर एक पेज था HTML पेज, इस ये हमारा होम पेज था index.html पेज, हम चाहते हैं कि अगर आपने सारी चीज़ें डाल दी हैं, अगर चेक नहीं किया है आपने इसको, तो हम मैसेज दे देंगे सबसे पहले, और मैसेज के बाद index.html का आउटपुट यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर का इंक्लूड मेथड। ये आउटपुट देने के बाद हम यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे इंक्लूड होता है। तो हम लोग सीधे चलते हैं अपने कोड में, और यहाँ पे हम चलते हैं सर्वलेट में रजिस्टर सर्वलेट, और यहाँ पे रजिस्टर सर्वलेट में देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इफ़ लगाया था, अगर कंडीशंस नल नहीं होती दैट मीन्स ये तो काम ट्रू वाला था, लेकिन अगर कंडीशन नल हो जाती है इनकेस, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कोडिंग करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा सब लोग, यहाँ पे नल हो गए, इसका मतलब अब हमें इंक्लूड करना है। तो आई वॉन्ट टू इंक्लूड आउटपुट ऑफ इंडेक्स डॉट HTML। चलिए यहाँ पे इंक्लूड करके देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर।
तो हम ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डिस्पैचर का वेरिएबल ले लेंगे। देखिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर आ गया, एंटर कर देंगे आर डी इज इक्वल टू, और रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन आ रहा है और इस फंक्शन ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये रिसोर्स का URL, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अगर किसी दूसरे सर्वलेट का आउटपुट चाहिए होता तो सर्वलेट का URL पैटर्न यहाँ पे पास करते हैं हम लोग, सर्वलेट का URL पैटर्न। अभी हमें पेज चाहिए तो पेज का URL पैटर्न उसका नाम होता है। अब हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे क्योंकि हमें इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे हम मेथड कॉल करेंगे इंक्लूड मेथड। तो यहाँ कमेंट में लिख दिया, कॉल कैसे करेंगे आर डी डॉट इंक्लूड करंट रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देंगे। अगर आप इतना काम कर देते हो तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का भी, तो ये तो आएगा साथ साथ में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का आउटपुट भी आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे कुछ गलत भर के देखते हैं, और हम भर तो देंगे कुछ भी लेकिन हम जानबूझ के एरर लाएंगे तो चेक नहीं करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने रजिस्टर पर क्लिक किया, देखिए ये जो जनरेट हो रहा है आउटपुट, ये आपके सर्वलेट से आ रहा है, ये भी आपके सर्वलेट से आ रहा है, बट ये जो है पेज, ये पूरा पेज, ये पेज, ये है इंडेक्स डॉट एस टी एम एल का रेस्पॉन्स, उसका आउटपुट यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। दैट मीन्स रिक्वेस्ट डिस्पैचर ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एस टी एम एल का आउटपुट अपने अंदर इंक्लूड कर लिया इस फंक्शन की हेल्प से। कौन सी फंक्शन की हेल्प से भाई, इस फंक्शन की हेल्प से। तो जब भी आपको किसी दूसरे का आउटपुट इंक्लूड करना है अपने प्रोजेक्ट, अपने उस अपने सर्वलेट के अंदर, तो हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर की हेल्प लेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक बार फॉरवर्ड करके भी देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मैसेज देंगे और लेट अस सपोज हम यहाँ पे, हमें यहाँ JDBC का काम करना था, ये सारा डेटा उठा के रखना था सर्वर पे किसी भी डेटाबेस के अंदर। तो ऐसा हम अज्यूम करेंगे कि डेटा रख दिया हम लोग किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, या फिर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल बनाएंगे तो हम लोग करेंगे, डेटा रखेंगे, लेकिन ऐसा अज्यूम करेंगे कि हम लोगों ने डेटा सेव कर दिया। तो मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ सेव टू DB, और अगर डेटा सेव हो गया तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड करूँगा सक्सेस सर्वलेट पे। तो मैं यहाँ पे एक सर्वलेट बना लूँगा, यहाँ से देखिएगा राइट क्लिक करूँगा न्यू और क्लास, और सर्वलेट बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सक्सेस सर्वलेट, और हम क्या कर देंगे इसको फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे एक सर्वलेट बन जाएगा। तो सर्वलेट बनाने के लिए बहुत इजी है, हम लोग यहाँ करेंगे एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, एक्सटेंड HTTP सर्वलेट सर्वलेट, और हम लोग ओवरराइड करेंगे गेट मेथड या पोस्ट मेथड ओवरराइड कर देते हैं, क्योंकि जो रिक्वेस्ट आ रही है इनिशियली रजिस्टर सर्वलेट को वो पोस्ट के फॉर्म में आ रही है, तो इसलिए हम लोग ओवरराइड करेंगे पोस्ट मेथड सर्वलेट सर्वलेट का पोस्ट मेथड। तो ओवरराइड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल्ट एंड इंसर्ट, और ओवरराइड मेथड पे जाएंगे और यहाँ चेक कर लेंगे डू पोस्ट को और जनरेट कर देंगे, और हम लोग इसके अंदर कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कोड क्या, मैं बस आउटपुट दूंगा कि सक्सेसफुली डन। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे, पहले कंटेंट टाइप सेट कर देते हैं, रेस्पॉन्स डॉट सेंड कंटेंट सेट कंटेंट टाइप, रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, और हम जो सेट करने वाले हैं वो टेक्स्ट स्लैश HTML। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रेस्पॉन्स से निकालेंगे गेट राइटर, और राइटर ये देगा हमें प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट प्रिंट राइटर आउट, और हम लोग सिंपली मैसेज दे देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ प्रिंट करूँगा दिस इज सक्सेस सर्वलेट, दिस इज सक्सेस सर्वलेट, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो मैं थोड़ा बड़ा प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो H2 की हेल्प लूँगा दिस इज, या लिख दूँगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो बस इतना मैसेज आएगा, बट इस सर्वलेट को हम लोग डायरेक्टली नहीं चलाएंगे, हम लोग फॉरवर्ड करेंगे अपने रिक्वेस्ट को रजिस्टर सर्वलेट के यहाँ से। तो फॉरवर्ड करने के लिए सबसे पहले मैपिंग कर देते हैं अपने web.xml में। तो हम ओपन करेंगे, चलेंगे यहाँ पे वेब पेजेस में, वेब INF में, web.xml में, और हम मैपिंग करने का ट्राई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर्वलेट इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट कंट्रोल डाउन की दबाएंगे, और यहाँ पे दे देंगे सक्सेस सर्वलेट का नाम, और क्लास दे देंगे सक्सेस सर्वलेट, और मैपिंग के लिए लगाएंगे ये वाला टैग। तो इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं
और सर्वलेट का नाम था सक्सेस, और यहाँ पे URL पैटर्न में लिख देते हैं सक्सेस। तो स्पेलिंग का आप ध्यान रखेंगे, मैपिंग हो गई। अब हम लोग आते हैं और फॉरवर्ड भी यूज़ करते हैं, तो हम लोग रजिस्टर सर्वलेट में आएंगे और यहाँ पे फिर से हम निकालेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट। तो इजी है, वेरिएबल लीजिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और क्योंकि अब हमें जो रिक्वेस्ट है फॉरवर्ड करनी है सर्वलेट सक्सेस सर्वलेट पे, तो हम यहाँ पे सक्सेस टाइप करेंगे। ये बेसिकली आपके सक्सेस सर्वलेट का URL पैटर्न है भैया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे RD डॉट फॉरवर्ड, दैट्स इट। जैसे ये चलेगा ये प्रिंट करेगा, उसके बाद रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा, तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड हो जाएगी इसके पास और इसका डू पोस्ट चल जाएगा। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और इस बार सब कुछ सही सही डालूंगा। कुछ एरर आ गई और ये बेसिकली एरर आई है वेब डॉट एग्जाम्पल में, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन सी एरर आई है। सक्सेस, और फिर से हम लोग रन करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब हम यहाँ पर सब कुछ सही सही डाल देते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल सेलेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं और रजिस्टर पे क्लिक करें। तो देखिए यहाँ पे दिस इज सक्सेस सर्वलेट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, दैट मींस इस सर्वलेट को तो मैंने डायरेक्टली चलाया ही नहीं था, ये हमारा चला है फॉरवर्ड की हेल्प से। अगर आप कुछ गलत डाल दोगे यहाँ पे, एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो हमारा चल जाएगा इंक्लूड, दैट मींस ये आउटपुट इंक्लूड हो रहा है। और अगर कुछ भी सही डालोगे, सबको सही डालोगे, तो आपका रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और चलेगा सर। तो हम लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट डिस्पैचर का एग्जांपल देखा, कैसे हम रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे रिक्वेस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि वेलकम फाइल लिस्ट को आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो, और उसका मैं सिंटैक्स तरीका बताता हूँ। तो अभी हमारी फ़िलहाल जब हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, देखिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ, तो हमारी index.html पेज ओपन हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम index.html को स्टार्टिंग में नहीं ओपन करना चाहते हैं, हम स्टार्टिंग में ओपन करना चाह रहे हैं। एक नई फाइल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे home.html, तो हम यहाँ पे जाएंगे और सर्च करेंगे अदर में html, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे टाइप दूंगा होम और फिनिश कर दूंगा। तो हमारी इंडेक्स होम डॉट html एक फाइल बन जाएगी। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक h1 लगाऊंगा और सबसे पहले मैं लिखूंगा कि ये जो है भैया ये क्या है, हमारी home.html फाइल है, दिस इज home.html फाइल। जब हमारा पेज सबसे पहले ओपन होगा तो ये पेज होना चाहिए, ना कि हमारा फॉर्म ओपन होना चाहिए। और उसके अंदर मैं यहाँ पे रजिस्टर का लिंक दूंगा, तो हम यहाँ एंकर टैग लगाएंगे, href में मैं लिखूंगा index.html और मैं लिख दूंगा register here, सेव कर दूंगा और राइट क्लिक करूंगा, रन करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट हमें ये पेज नहीं दिखेगा क्योंकि हमारा होम पेज क्या है, इंडेक्स पेज। अब हम लोग मैपिंग करते हैं चल के, हम लोग क्या करते हैं होम पेज डिक्लेयर करते हैं वेलकम फाइल लिस्ट की हेल्प से web.xml में। तो हम लोग क्या करेंगे, वेब ऐप के नीचे चलाएंगे, या आप यहाँ भी कर सकते हो वेब ऐप टैग के सबसे ऊपर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वेलकम फाइल लिस्ट टैग, और ये पेरेंट टैग है, उसके अंदर लगाएंगे वेलकम फाइल, और यहाँ पे इस फाइल का हम नाम दे देंगे अपनी home.html फाइल। अगर आप प्रेफरेंस देना चाहते हो तो आप एक कई सारे टैग लगा सकते हो वेलकम फाइल में, अगर एक नहीं मिलेगा तो दूसरे को चेक करेगा, दूसरा नहीं मिलेगा तीसरे को चेक करेगा, बट इतना सही है हमारे लिए। अब मैं क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट को फिर से रन करने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार मैं प्रोजेक्ट को बिल्ड करूँगा, अगर चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे तो मैं क्लीन एंड बिल्ड कर लूँगा प्रोजेक्ट को, और मैं क्या करता हूँ फिर से रन करने की कोशिश करता हूँ। और मैं एक बार, ये कैश का प्रॉब्लम आता है थोड़ा, तो मैं क्या करता हूँ एक बार इनकॉग्निटो पे रन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे इनकॉग्निटो पे आप रन करोगे तो यहाँ पे दिस इज होम एचटीएमएल फाइल रजिस्टर हियर, जब आप इस पर क्लिक करोगे तब आपकी इंडेक्स फाइल ओपन होगी। दैट मीन्स अब आपके प्रोजेक्ट का जो होम फाइल है वो home.html है, ना कि index.html है। अगर आप सब कुछ बंद कर देते हो तो फिर से रन करने की कोशिश करते हो, देखते हैं क्या होम पेज क्या ओपन होता है। तो हम इस वाले टैग से, वेलकम फाइल लिस्ट वाले टैग से अपना होम पेज बदल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कैश मेमोरी का प्रॉब्लम है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे और ओपन हो रहा है URL पे। हम लोग इसको थोड़ा सा फायरफॉक्स से ओपन करने की कोशिश करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं होम पेज कौन सा ओपन होता है। तो यहाँ पे भी मे बी कैश मेमोरी, हाँ देखिए रिफ्रेश मैंने किया और मैं फिर से ओपन करने की कोशिश करता हूँ।
देखिए दिस इज होम HTML फाइल रजिस्टर करते हैं, तब जाके हमारा इंडेक्स पेज ओपन होगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा फ्रेंड्स कि कैसे हम लोग वेलकम फाइल लिस्ट टैग यूज़ कर सकते हो, और हम लोग रिक्वेस्ट डिस्पैचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए और इंक्लूड करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी यूज़फुल कंटेंट बना पाएँ। बाय बाय फ्रेंड्स।